हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं किसका, वो सॉल्यूशन आपको मतलब मेंशन करना है किस किस के सॉल्यूशन होते हैं। जनरली दीज आर द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आपने पढ़ा है कि जो एसिड, बेसिस और सॉल्ट होते हैं वो बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से वो क्या करता है, कौन सी इफेक्ट क्रिएट करता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा किसी सॉल्यूशन से तो केमिकल इफेक्ट जनरेट होंगे, ठीक है, इट विल लीड टू द केमिकल इफेक्ट्स। उसके बाद है इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे टर्मिनल मेंशन करना है कौन सा टर्मिनल है, कि आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिपॉजिट किया तो जो कॉपर है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, कौन सी प्लेट के साथ कौन से टर्मिनल पे वो होगा, ठीक है। तो इट इज द नेगेटिव टर्मिनल जिसपे कॉपर जाके डिपॉजिट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जब एक लेयर किसी दूसरी लेयर पे यू नो डिपॉजिट होती है डिजायर्ड मेटल की लेयर, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। व्हेन फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन, यानी कि जब आपने किसी टेस्टर के फ्री एंड्स को डिप किया सॉल्यूशन के अंदर तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करा। क्या रीजन हो सकता है कि मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, देखो जैसे ही आपने फ्री एंड्स को टेस्टर को डिप करा एक सॉल्यूशन के अंदर, जो लिक्विड होता है ना दोनों एंड के बीच में, उस लिक्विड ने अलाउ किया कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाए, ठीक है, उस लिक्विड ने अलाउ किया कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाए एंड जो सर्किट ऑफ द टेस्टर है वो कंप्लीट हो गया, पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द टेस्टर इट एस्टेब्लिशेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हेंस मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। तो जब करंट पास करता है थ्रू द टेस्टर, जब करंट पास कर रहा है थ्रू टेस्टर, वो मैग्नेटिक इफेक्ट एस्टेब्लिश करता है एंड हेंस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। समझ में आया, जो सॉल्यूशन है उसने क्या किया, जो लिक्विड है उसने अलाउ करा इलेक्ट्रिक करंट को पास होना और जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट हो गया है। जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है उसके बीच में, एंड दैट इज वाई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। या फिर आप कह सकते हो कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। नाउ नेम थ्री लिक्विड विच वेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.9 मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तीन लिक्विड जिनको आप जब टेस्ट करोगे जैसे कि दिखाया गया है इस मतलब फिगर में 14.9 में, मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है। नाउ देखो टैप वाटर ले लिया, ठीक है, नॉर्मल वाटर है तो इसमें सॉल्ट होगा, सॉल्ट होने की वजह से आयन्स होंगे और ये ऑब्वियसली बात है कि ये करंट को मतलब पास ऑन करने देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो कोई भी ऐसे आप एक सॉलिड, एक सॉल्ट या फिर एक बेस या फिर आप एसिड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो दीज थिंग्स विल हेल्प इन द कंडक्शन, मतलब जिसे कहते हैं कंडक्टिव बना देगा। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10। यहाँ पे ना ये बल्ब नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करा इसने, क्या रीजन हो सकते हैं, आपको रीजन समझाने हैं। द पॉसिबल रीजन आर एज फॉलो, द करंट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द गिवन लिक्विड, इस लिक्विड ने करंट को प्रोड्यूस नहीं किया है एंड इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज हो सकता है, सेल्स अच्छे से यूज अप नहीं हो रहे, या फिर सेल्स आर यूज्ड अप मतलब कि वो पूरी तरह से यूज हो चुके हैं, अब वो काम के नहीं रहे, बेकार हो गए हैं, कनेक्शंस कहीं ना कहीं लूज है। तो देयर आर वेरियस रीजन विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसे कहना चाहिए कि मतलब जिसकी वजह से बल्ब नहीं ग्लो कर रहे। देन फिफ्थ क्वेश्चन, एक टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड। आपने एक टेस्टर यूज किया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चेक करने के लिए दो लिक्विड से, ए एंड बी। ये पता चलता है कि बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, जो बल्ब है वो लिक्विड ए के लिए बड़े अच्छे से ग्लो कर रहा है और बहुत डिमली ग्लो कर रहा है लिक्विड बी के लिए। यू वुड कंक्लूड दैट लिक्विड वे ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। एक है जो बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लाइट मतलब इसे कहते हैं ना ग्लो कर रहा है, एक ऐसा जो नॉर्मली बात है एक ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया से ग्लो हो रहा है, एक की वजह से नहीं हो रहा, हल्का ग्लो हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड
ए है इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, क्योंकि लिक्विड ए से बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है. अगर कोई चीज अच्छे से ग्रो कर रही है तो कंडक्शन अच्छा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, वॉट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? और नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए? प्योर वाटर इसलिए कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज इट हैज नो डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन इट. प्योर वाटर का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें सॉल्ट भी नहीं होगा. तो हम चाहते हैं कि वो कंडक्टिंग बने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज द ईजिएस्ट वे. या फिर आप उसमें हल्का से एसिड भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वॉटर होजेस, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया. एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस. तो जब आग लगती है तो फायरमैन क्या करते हैं, वाटर वगैरह का जितना भी, मतलब बिफोर वो यूज करें उससे पहले वो सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देते हैं. क्यों करते हैं? वाटर काफी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. और फायरमैन इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वो, आपको पता ही है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो पानी आएगा वो प्योर तो नहीं होगा, वो अच्छा कंडक्टर होगा, तो वो उनको शॉक लग सकता है क्योंकि पानी उनके हाथ में होगा, दे विल बी डीलिंग विद वाटर. और अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो गई तो उनको बहुत तगड़ा झटका लग सकता है, इसीलिए उससे बचने के लिए वो पानी का जो पूरे वाटर होजेज होते हैं बंद करते हैं. अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर. एक बच्चा जो एक कोस्टल रीजन में रह रहा है वो ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट करता है, सी वाटर टेस्ट करता है अपने टेस्टर से. उसे पता चलता है कि जो कंपस नीडल है वो सी वाटर के केस में ज्यादा अच्छे से डिफ्लेक्ट हो रही है. क्या रीजन हो सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन. क्योंकि करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड इट कॉजेज द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड. उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है. सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से करंट ज्यादा फॉर्म होता है और टैप वाटर इतना करंट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं दिखता और सी वाटर के केस में दिखता है. ठीक है. सो दैट इज अनदर क्वेश्चन. इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउन पावर? नहीं. इलेक्ट्रीशियन को कोई भी इलेक्ट्रिक रिपेयर बहुत ज्यादा जब बारिश हो रही है, डाउन पावर मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि रेन वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है और उसको झटका लग सकता है बिजली का, इसलिए उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. नाउ पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर. पहेली ने ऐसा सुना है कि रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर. ठीक है. सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर. तो पहेली ने क्या किया, रेन वाटर को कलेक्ट किया और उसके बाद उसने उसको टेस्ट किया. उसने देखा कि कंपस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करा. क्या रीजन हो सकता है इसका? व्हेन इट रेन्स रेन वाटर गेट मिक्स्ड विद पार्टिकल्स. देखो रेन वाटर जब तक ऊपर से आ रहा है प्योर है, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट में एसिड से हर चीजों से पोल्यूटेंट से मिलता है तब वो इम्प्योर हो जाता है, तब वो इतना प्योर नहीं रहता. एंड उसकी वजह से वो क्या करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कि अगर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता तो नहीं करता, लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो मिलके बहुत सारी चीजों से इन्वायरमेंट में वो एकदम प्योर, इसे कहते हैं, वो फॉर्म नहीं करता है. ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, क्योंकि वो मिल जाता है बहुत सारी चीजों से. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसे बोलते हैं आपके आसपास ऐसी चीजें जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है. बाथ टैप्स, किचन, गैस बर्नर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन कैंस विद टिन टू स्टोर फूड, हैंडल बार्स ऑफ साइकिल एंड मोटरसाइकिल रिम्स ऑफ साइकिल, बकल्स ऑफ क्लोथ एंड बेल्ट, ज्वेलरी. सो दीज आर द थिंग्स, जिसे कहना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं जो कि आसपास हमारे काफी हद तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है इनकी. ठीक. सो आई थिंक दैट इज फॉर अच्छा सॉरी, अभी देर आर टू आर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और है. द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. जो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 14.7 है उसमें कॉपर के प्योरिफिकेशन को दिखाया गया है. एक थिन प्लेट प्योर कॉपर की एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज एज इलेक्ट्रोड. एक जगह पे प्योर कॉपर लिया गया है, एक जगह इम्प्योर कॉपर लिया गया है. कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट. कॉपर जो इम्प्योर रॉड से होती है इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट. वो कहाँ चली गई? थिन कॉपर प्लेट में चली गई. विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई? कौन सा इलेक्ट्रोड अटैच होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड वाई इट शुड बी अटैच? द इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर शुड बी अटैच. ये बहुत ध्यान से सुनिए. जो इम्प्योर रॉड होती है कॉपर की उसको अटैच करना है पॉजिटिव टर्मिनल से. अगर ऐसे हम कह रहे हैं ना कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से इम्प्योर जो यहाँ पे है इम्प्योर कनेक्टेड होनी चाहिए.
एंड यहां से प्योर कनेक्टेड होनी चाहिए। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पे आपने मान लिया इधर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो क्या होता है ना, कॉपर के जो आयंस हैं वो यहां जाके मूव करना शुरू कर देते हैं इधर, ठीक है, इधर जाना शुरू करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, इधर जाते हैं और यहाँ पे ये इसके ऊपर लेयर बढ़ती रहती है कॉपर की, प्योर कॉपर की, और इसके बदले में क्या होता है ना, जो यहाँ पे हैं, ठीक है, ये जो है ये पानी में मिलते हैं, मतलब उस सॉल्यूशन में मिलना शुरू करते हैं जो इम्प्योर है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस, द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्री वाले होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते जाएंगे और डिपॉजिट होने शुरू कर देंगे। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व ऑन इनटू द सॉल्यूशन। दूसरे इलेक्ट्रोड से क्या होगा, यहां से दूसरे इलेक्ट्रोड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यहां से जो इम्प्योर है वो इस सॉल्यूशन के अंदर मिलना शुरू कर देगी। हेंस जो कॉपर का लॉस होगा सॉल्यूशन से वो रिस्टोर हो जाएगा। तो यहां से जो प्योर वाले इधर जा रहे हैं वो इसको पूरा कर देगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए आपको इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना चाहिए और इस वाले को पॉजिटिव के साथ। ऑल्सो ये चैप्टर मैंने कवर किया है बहुत अच्छे से, आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, प्लेलिस्ट किसकी, साइंस की, और वहां पे दो पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी में कवर किया है। ये क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज के, इसके अलावा मैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज बनाऊंगी जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस का। एंड इसके बाद आप लोग जो भी और प्लेलिस्ट हैं उनको चेक कर सकते हो, सो विल गेट मेनी सच वीडियोज़ एंड मेनी सच क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।